नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फिल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से आ, हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मजेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ये टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फ़िल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ये टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फ़िल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फ़िल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू डेट जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फ़िल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ये टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य 2022 में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फ़िल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो तो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से आ, हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके इस कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेट जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फ़िल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ये टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फ़िल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ये टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फ़िल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से आ, हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फ़िल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फ़िल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फ़िल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्त्री नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफी बेहतरीन काफ़ी, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फ़िल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से आ, हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फ़िल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फ़िल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ये टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य 2022 में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्त्री नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फ़िल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से आ, हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेट जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से आ, हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ये टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फ़िल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू डेट जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से आ, हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फ़िल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ये टू डेट जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फ़िल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से आ, हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू डेट जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी या हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी ये कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक हो जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ए टू डेट जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य दो में बनी एक फ़िल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है आचार्य दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आचार्य आचार्य जो मूवी है वह कौन से आ, हीरो हीरोइन ने इसमें काम किया है इसके कास्ट कौन कौन से हैं इस मूवी की कहानी क्या है इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई थी इस मूवी ने कमाई कितना किया था और इस मूवी यह हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी यह कब रिलीज़ की गई थी इसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं और ये फ़िल्म जो है वो किस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा था इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी आचार्य मूवी को लेकर उत्सुक को जानना चाहते हो इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा मैं आपको सारी जानकारी ये टू जेड जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आचार्य 2022 में बनी एक फिल्म है जिसका शिक्षक या गुरु होता है जो एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कोराटाला शिव द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है फिल्म में रामचरण पूजा हेगड़े और सोनू सूद के साथ चिरंजीवी लीड रोल में आपको दिखेंगे यानी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे। फिल्म एक नक्सली नेता आचार्य की कहानी बताती है जो एक मंदिर में प्रवेश करता है और बसवा नामक एक स्थानीय राजनेता द्वारा किए गए उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसे धर्मस्थली नाम दिया गया है तो दोस्तों यह मूवी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म भारत में रिलीज़ की गई थी और तेलुगु भाषा में किया गया था इसे हिंदी भाषा में भी डब किया था इसी के साथ इसका बजट जो है वो 100 से 140 करोड़ रुपए के बीच था और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो